तो आपने दो तस्वीरें देख ली, एक तरफ तड़पता अफगानिस्तान और दूसरी तरफ जश्न में डूबा अफगानिस्तान। अब हम आपको दिखाते हैं तालिबान के वो वादे और इरादे जो काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ये काफिला अफगानिस्तान के भावी राष्ट्रपति के तौर पर उभरे मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का है। कंधार की सड़कों पर भीड़ देखिए, तकरीरों के साथ बिरादर का स्वागत देखिए। दोहा से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात करके तालिबान के संस्थापक सदस्यों में एक बिरादर के स्वागत में सड़कों के किनारे तालिबानी आतंकियों का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें देखिए किस तरह स्वचालित हथियारों के साथ तालिबानी आतंकी सड़कों के किनारे मौजूद हैं। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब बिरादर अपने तालिबान के अन्य आतंकियों के साथ कंधार के सरकारी दफ्तर पहुंचा था। यहां भी भारी हुजूम नजर आ रहा है। एक तरफ बिरादर मिशन कंधार पर था तो दूसरी तरफ तालिबान का प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद काबुल में दुनिया के साथ नए तालिबान की तस्वीर पेश कर रहा था। باید یادآور شویم که ما خواهم رفع قرار میتیم که بس نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت های مقابل همراه ما در مقابل بودن از الف تا یا همه عفو هستند. افغانستان میں طالبان کے قابض ہونے کے بعد پرانی خوفناک یادیں تازہ ہو گئی ہیں، خاص کر مہیلائیں خوف میں ہیں. तालिबान ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इस्लामी कानून के तहत चलने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. मुजाहिद ने ये यकीन दिलाने की भरसक कोशिश की कि अनुभव के आधार पर तालिबान की विचारधारा में बदलाव आया है। ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सभी पक्ष शामिल हों। तालिबान से किसी भी देश को कोई खतरा नहीं, सभी दूतावास सुरक्षित रहेंगे। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तालिबान नागरिकों को एयरपोर्ट तक के लिए सुरक्षित गलियारा देने के लिए तैयार है। Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport, and we intend to hold them to that commitment. वादे अपनी जगह हैं, लेकिन इन तस्वीरों से क्या मतलब निकालें? देखिए किस तरह अपने आदेश की नाफरमानी की सजा दे रहा है तालिबान। सड़क किनारे लोगों को बिठाकर गोलियां मारी जा रही हैं। मत भूलिए तालिबान अब पहले से मजबूत हो गया है। अफगान सेना के सरेंडर से उसके हाथ अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा लग गया है। ऐसे में अगर तालिबान का नया चोला उतरा तो पूरे अफगानिस्तान में कोहराम मच जाएगा। आज तक ब्यूरो।